स्वर्गीय राजीव गांधी को भारत में कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय जाता है। उन्होंने ना सिर्फ कंप्यूटर को भारतीय घर तक लाने का काम किया, बल्कि भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने में अहम रोल निभाया। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता राजीव गांधी की आज 75वीं जयंती है। पंचशील स्थित राजीव गांधी स्मारक पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की गई। अजमेर के सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। तत्पश्चात इस मौके पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर वेद अग्रवाल रहे। संगोष्ठी में मौजूद सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर शहर अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि राजीव गांधी कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि देश के नेता थे। इस मौके पर राजीव गांधी स्मारक पर पौधरोपण भी किया गया। राजीव गांधी जी की 75वीं जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको शत नमन शत वंदन। पंचशील स्थित राजीव गांधी स्मारक पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको पुष्पांजलि अर्पित कर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश अग्रवाल जी हमारे मुख्य वक्ता थे। और राजीव जी का जो त्याग बलिदान है उसको कभी देश नहीं भूल सकता। राजीव गांधी जी कोई कांग्रेस के नेता नहीं, अपितु वो पूरे भारत के और पूरी दुनिया में एक परचम लहराने वाले नेता थे। भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देश में जो कार्य किए वो सराहनीय है, और आज अगर हम देश को विकासशील स्थिति में देख रहे हैं तो ये नींव रखी हुई सब राजीव गांधी जी की है। चाहे अपन आईटी सेल के अंदर चल जाएं, चाहे पंचायती राज में चल जाएं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चल जाएं, चाहे हम जो है 18 वर्ष के युवाओं को मतदान देने का अधिकार कह लें, आज चाहे निगमों को, या हम अगर बात करें आज जो शिक्षा खड़ी हुई है, शिक्षा की नीति बनाने वाले राजीव गांधी जी थे, जो आज जगह जगह पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आज टेक्निकल इतने तरह के जो है विभिन्न प्रकार के कोर्सों के लिए जो कॉलेज खुले हुए हैं, जिस तरह शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा देके और शिक्षा को जिस तरह उन्होंने आज खड़ा किया, तो वो आज हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे देश में जगह जगह यूनिवर्सिटियां हो गई हैं, जगह जगह जो है बड़े बड़े कॉलेजेस हो गए, और लोग पढ़ के दुनिया में हमारा परचम लहरा रहे हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे जापान हो। आज भारत का बच्चा, भारत का नागरिक वहाँ जाके भारत का नाम रोशन कर रहा है। ये सब देन हमारे राजीव गांधी जी की रही। चाहे आज हम राजीव गांधी जी को कितना भी भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरा, अगर वो उनको बुलाना चाहे तो भी नहीं हो सकती, क्योंकि जनता देश की पूरा याद रखती है कि किस नेता ने क्या बलिदान दिया है देश के। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे अध्यक्ष भाई विजय जी के नेतृत्व में आज हमने राजीव गांधी जी की 75वीं जयंती मनाई। इस अवसर पर उनको मूर्ति को पुष्पार किया और उसके बाद संगोष्ठी हुई और वृक्षारोपण किया गया। और इन सब प्रोग्राम के बाद अभी जवाहरलाल नेहरू स्क्वायर के अंदर यूथ कांग्रेस द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है और कुछ बेंचेस उन्होंने डोनेट की जा रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजीव गांधी जी का जो जीवन था वो पूरा जीवन देश और विश्व के लिए था। राजीव गांधी ने जिस प्रकार से कंप्यूटर क्रांति की, जिस प्रकार से पंचायती राज को मजबूत किया, जिस प्रकार से महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, और सबसे बड़ी बात जिस प्रकार से युवा को 18 साल की उम्र में वोट का अधिकार दिया, ये सब इतिहास की वो बातें हैं जो इतिहास कभी भूल नहीं सकता। और इस देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वहाँ राजीव गांधी हमेशा याद किए जाते रहेंगे। मैं इस अवसर पर अपनी ओर से और सभी साथियों की ओर से उन्हें शस्त्र नमन करता हूँ। आप सबका धन्यवाद। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।